सोशल गैदरिंग, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, ग्रोसरी और टॉप अम्यूनिटीज़ का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसका नाम ऑर्चर्ड मॉल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली रज़ा मीर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ CDB प्रॉपर्टीज़। CDB के प्लेटफॉर्म से आज जिस प्रोजेक्ट की डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, उसका नाम है ऑर्चर्ड मॉल। ऑर्चर्ड मॉल की फर्दर डिटेल्स में जाने से पहले डेवलपर्स के हवाले से बात करते हैं। क्यू लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड इसके डिवेलपर हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और क्रेडिबल डिवेलपर हैं मार्केट में, और इस वक्त बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में सबसे पहले डिलीवर किया जाने वाला ये प्रोजेक्ट होगा जिसका नाम ऑर्चर्ड मॉल है। सो व्यूवर्स, ऑर्चर्ड मॉल की लोकेशन मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। मेन रायवन रोड से जब आप बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के गेट नंबर 4 से एंट्रेंस लेते हैं तो आपके राइट साइड पे ऑर्चर्ड मॉल की लोकेशन आती है। एक बहुत ही बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है जिसकी 95% से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और अभी वहाँ पर फिनिशिंग का काम जारी है, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। क्यू लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में डिलीवर किया जाने वाला ये सबसे पहला मेगा प्रोजेक्ट होगा, जहाँ पर अंडर वन रूफ आपको तमाम जिंदगी की सहूलियात मुयसर होंगी। यहां पर आपको IT मार्केट मिलेगी, यहां पर आपको असलम सुपर मार्ट मिलेगा, यहां पर आपको टॉप ब्रांड्स मिलेंगे और यहां पे आपको बच्चों के लिए किड्स अरीना जैसा एक बेहतरीन एनवायरनमेंट मिलेगा। सो व्यूवर्स, यहां पर आउटर कंस्ट्रक्शन के साथ इनर कंस्ट्रक्शन का काम भी जारी है। क्यू लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 में सबसे पहला डिलीवर किया जाने वाला ये एक मेगा प्रोजेक्ट होगा। यहां पर आपको अंडर वन रूफ जिंदगी की तमाम सहूलियात मुयसर होंगी, यहां पर आपको IT मार्केट मिलेगी, यहां पर आपको होटल एंड अपार्टमेंट मिलेंगे, आपको असलम सुपर मार्ट जैसा एक बड़ा ग्रोसरी ब्रांड मिलेगा, इसके अलावा आपको डिफरेंट शॉपिंग ब्रांड मिलेंगे यहां पर, और यहां पर आपको जरूरियात जिंदगी की तमाम सहूलियात मुयसर होंगी, और यहां पर बच्चों के इंटरटेनमेंट के लिए आपको सॉफ्ट प्लेइंग एरिया राइड्स प्रोवाइड की जाएंगी जहां पर बच्चे प्रॉपरली एंजॉयमेंट कर सकते हैं। इसी शॉपिंग मॉल में आपको बेहतरीन फूड कोर्ट्स देखने को मिलेंगे और यहां पर डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर क्योसिक एक्टिविटीज़ मिलेंगी, जहां पर आपको डिफरेंट ज्वेलरी क्योसिक एक्टिविटीज़ मिलेंगी, डिफरेंट आइसक्रीम क्योसिक एक्टिविटीज़ मिलेंगी। सो ये एक बहुत बड़ी अट्रैक्शंस है उन तमाम एंड यूजर्स के लिए और यहां पर आने वाले वक्त में सबसे ज़्यादा फुटफॉल जनरेट होने वाला है। सो व्यूवर्स, जैसा मैंने आपको बताया कि 95% से ज़्यादा जो है वो इसका ग्रे स्ट्रक्चर कम्प्लीट हो चुका है, आउटर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इनर कंस्ट्रक्शन के ऊपर वर्किंग चल रही है और असलम सुपर मार्ट यहाँ पर सबसे पहले ग्रोसरी मार्ट डिलीवर किया जाएगा, जिसकी वजह से यहां पर सबसे ज्यादा फुटफॉल जनरेट होगा। जो इसके आसपास जितनी भी सोसाइटीज हैं, जितने भी ऑर्चर्ड के फेज लगते हैं, वहां पे जितने भी रिहायशी हैं, वो सबसे पहले असलम सुपरमार्ट को हंट करेंगे अपनी ग्रोसरी के लिए, तो यहां पे एक अच्छा फुटफॉल जनरेट होने वाला है। इन तमाम सहूलियात के साथ ऑर्चर्ड मॉल की अहमियत को समझते हुए इन्वेस्टर्स ने यहां पर इन्वेस्ट किया और यहां पर ऑलमोस्ट आपको ग्राउंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे जो इन्वेंट्रीज हैं वो सोल्ड मिलती हैं, लेकिन अभी भी कुछ इन्वेंट्रीज अवेलेबल है। इसके लिए आप स्क्रीन पे दिए गए मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए। इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए जो लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज इस मॉल में अवेलेबल है, आप उसके लिए मुझे कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। सो व्यूवर्स, आपको बताना चाहूंगा कि रिसेंटली ऑर्चर्ड मॉल के प्राइसेस में 10% का इंक्रीज आया है, तो जो लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज अभी भी अवेलेबल है, आप उसके लिए हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं उनको ग्रैब करने के लिए, और इन फ्यूचर एक अच्छा रेंटल इनकम जनरेट करने के लिए आप हमें राबता कर सकते हैं। अगर मैं IT मार्केट की बात करूं तो सबसे ज़्यादा लोग हफीज सेंटर मार्केट को अप्रोच करते हैं या हाल रोड मार्केट को अप्रोच करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है कि नियरेस्ट सोसाइटीज़ और ऑर्चर्ड मॉल में जितने भी रिहायशी होंगे वो तमाम लोग इस IT मार्केट को अप्रोच करेंगे अपने IT रिलेटेड इशूज़ के लिए, अपने IT रिलेटेड गैजेट्स के लिए, बाइंग और सेलिंग के लिए। फर्दर यहाँ पे टॉप ब्रांड्स जो हैं वो अपने कारोबार को ओपन करेंगे, जो कि लोगों के लिए एक बड़ी अट्रैक्शन बनेंगे। अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा लोग अप्रोच करते हैं एम्पोरियम मॉल को और पैकेजेस मॉल को, लेकिन आने वाले वक्त में उनके लिए एक थर्ड ऑप्शन ऑर्चर्ड मॉल अवेलेबल होगी, जहाँ पर वो टॉप अम्यूनिटीज़ को इन्जॉय कर सकते हैं। इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, शॉपिंग पर्पज़ के लिए, ग्रोसरी पर्पज़ के लिए यहाँ पर ज़रूर आएंगे। सो इन्वेस्टर्स, जो लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं इस प्रोजेक्ट में, आप उसके लिए हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
सकते हैं और फर्दर आप इन फ्यूचर एक अच्छा रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं। टॉप अम्यूनिटीज के साथ अपनी जिंदगी के लम्हात को बेहतरीन और खुशगवार बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर लोगों का रुझान होगा। एक वाइड पार्किंग होगी, बेहतरीन लोकेशन होगी और यहाँ पर वो तमाम जिंदगी की सहूलियात मुयसर होंगी एक ही छत के नीचे, जहाँ पर लोग ज्यादा से ज्यादा आना पसंद करेंगे अपने बच्चों के एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, बेहतरीन खानों को एंजॉय करने के लिए, आईटी मार्केट से फैसिलिटेट होने के लिए। तो अगर हर तरह से ऑर्चर्ड मॉल में इन्वेस्टमेंट पर्पस से देखा जाए तो ये एक बेहतरीन मौका है कि आप जो लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, इस वीडियो में दी गई मालूमात से आप ऑर्चर्ड मॉल में इन्वेस्टमेंट की अहमियत जान सकते हैं। अभी लोगों के पास बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि वो एम्पोरियम मॉल या पैकेजेस मॉल को अप्रोच करते हैं अपने एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। इन फ्यूचर वो ऑर्चर्ड मॉल को अप्रोच करेंगे और डेफिनेटली टॉप अम्यूनिटीज को एंजॉय करने के लिए और एक अच्छी लोकेशन पे बनने वाले मॉल को ज़रूर अप्रोच किया जाएगा और यहाँ पर एंड यूज़र का एक अच्छा फुटफॉल जनरेट होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और होटल एंड अपार्टमेंट में अपनी इन्वेस्टमेंट को ज़रूर कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मज़ीद मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।